गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में वॉलपेपर्स वगैरह को आप कैसे लगा सकते हैं, और वॉलपेपर्स वगैरह आप कैसे अपने इन्फिनिक्स फ़ोन में आप सेट कर सकते हैं और कैसे लगा पाएंगे इन्फिनिक्स फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि वॉलपेपर्स वगैरह को आप कैसे लगा सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको स्लाइड करना है, और स्लाइड करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जहां से आपको जाना है सेटिंग्स पे। और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, और जो भी आप वॉलपेपर्स वगैरह को आप सेट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं और वॉलपेपर्स भी सेट कर पाएंगे। अपने फ़ोन में सिंपली देख सकते हैं सेटिंग शो हो रही है। तो आपको थीम्स एंड लॉक स्क्रीन पे जाना है, और थीम्स एंड लॉक स्क्रीन पे जाते ही कोई भी वॉलपेपर्स आप स्क्रीन पे लगा सकते हैं और सेट कर सकते हैं। बस माय वॉलपेपर्स पे जाना है, कोई भी एक वॉलपेपर सेलेक्ट करना है, अप्लाई कर देना, वॉलपेपर्स आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से लग जाएगा। तो इस तरीके से भी वॉलपेपर्स को आप लगा सकते हैं एंड आप सेट भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं यहाँ से भी आप डायरेक्टली वॉलपेपर्स पे जा सकते हैं और कोई भी वॉलपेपर्स अपने स्क्रीन पे अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और वॉल पर आपकी स्क्रीन पे शो करेगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से फ़ोन में आप वॉलपेपर्स वगैरह को लगा सकते हैं सेटिंग्स पे जाकर, और शॉर्टकट्स के जरिए भी वॉलपेपर्स वगैरह को आप लगा पाएंगे और सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। वॉलपेपर्स भी लगा सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं।